दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं अमर शहीद ठाकुर रणमत सिंह की। हम अपने आसपास के ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। यह जानकारी आपको कैसे लग रही है, कमेंट्स बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। पूरे भारत देश में अंग्रेजों का शासन चल रहा था, संपूर्ण राज शक्तियां अंग्रेजों के हाथों में जा चुकी थी। सन 1857 में भारत से अंग्रेजों को खदेड़ने का प्रबल प्रयत्न किया गया। अनेक राजाओं के राज्यों ने इसमें भाग लिया। सतना जिले के मैहर के राजा रघुवीर सिंह अल्प वयस्क थे, यानी नाबालिग थे। अंग्रेजों के खिलाफ हो रहे आंदोलन में मैहर राज परिवार के संबंधियों और कर्मचारियों ने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस आंदोलन में विजय राघवगढ़ के ठाकुर भी शामिल हुए। यह पूरा विवरण मध्य प्रदेश शासन के साहित्य परिषद से लेखक गुरु राम प्यारे अग्निहोत्री द्वारा लिखी पुस्तक पर आधारित है। यह 70 के दशक में प्रकाशित पुस्तक है। अंग्रेजी हुकूमत ने रीवा राजा रघुराज सिंह से मदद मांगी। सन 1857 के माघ महीने में रीवा राजा रघुराज सिंह ने अंग्रेजों के कहने पर 318 घुड़सवार, 2582 पैदल, 16 गोलंदाज और 2 नामी तोपें दीवान दीनबंधु पांडे के नेतृत्व में भेजकर मैहर पर चढ़ाई करने के लिए आदेशित किया। उधर मैहर के लोगों ने भी काफी अच्छा प्रबंध कर रखा था। मैहर राजा के फौज का पड़ाव मैहर कस्बे के पास ही एक तालाब के पास था। रीवा के सैनिक सरदारों ने मैहर के फौजियों को पहले समझाने के काफी प्रयास किए, मगर स्वतंत्रता प्रेमियों ने इनकी एक भी नहीं सुनी। उन्होंने लड़ाई की घोषणा कर दी। काफी घमासान युद्ध दोनों तरफ से लड़ा गया। मरने वाला हर इंसान हिंदुस्तानी था। इस लड़ाई में मैहर का प्रसिद्ध गोलंदाज दयाराम मारा गया। फिर रीवा के सैनिकों ने मैहर का किला ध्वस्त कर दिया। अब बचे हुए स्वतंत्रता सेनानी विजय राघवगढ़ के ठाकुर सरजू प्रसाद के नेतृत्व में एकत्र होने लगे। फिर फागुन मास में रीवा की फौज ने विजय राघवगढ़ पर चढ़ाई कर दी और ठाकुर सरजू प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में ठाकुर सरजू प्रसाद को अंग्रेजों को सौंप दिया गया। अब मैहर और विजय राघवगढ़ पर रीवा राज का अधिकार हो गया। इस लड़ाई में रीवा वालों के हाथ बहुत सा सामान लग गया, जिनमें बाढ़ा कसाब और कड़क बिजुरी नाम की प्रसिद्ध 2 तोपें भी थी। इसी समय एक घटना सोहागपुर में घटित हुई। सोहागपुर के राजा दुनियापति सिंह थे। पिंडरा क्षेत्र सोहागपुर अंतर्गत आता था। पिंडरा के जमींदार सोहागपुर राजा को सरहदी दिया करते थे, मगर कुछ समय से पिंडरा के जमींदार ने सोहागपुर को सरहदी देना बंद कर दिया था। ऐसे में सोहागपुर राजा दुनियापति सिंह के चौथे पुत्र भारत सिंह ने पिंडरा के जमींदार को पकड़ लिया। रीवा रियासत का राज इलाहाबाद से लेकर बिलासपुर तक था। इस वक्त बिलासपुर में अंग्रेजों की सेना कैप्टन वांडिंगटन की अध्यक्षता में ठहरी हुई थी। पिंडरा के जमींदार ने अंग्रेज अफसर के पास अपने बचाव में फरियाद भेजी। अंग्रेजी कैप्टन ने सोहागपुर राजा को समझाने का प्रयास किया, मगर सोहागपुर राजा ने अंग्रेजी कैप्टन की एक भी बात नहीं मानी और नहीं सुनी। अंग्रेजों ने सोहागपुर पर चढ़ाई कर दी। इस लड़ाई में सोहागपुर के सैनिकों ने अंग्रेजों को मार भगाने में सफलता प्राप्त की। अब अंग्रेजों ने मैहर की भांति सोहागपुर में सहायता करने के लिए रीवा राजा रघुराज सिंह से मदद मांगी। रीवा राजा रघुराज सिंह ने सिपाही सिंह धौआ की अध्यक्षता में 30 घुड़सवार, 300 पैदल,
4 तोपे और 80 गोलंदाज को सोहागपुर पर चढ़ाई करने के लिए भेजा। रीवा की फौज को देख सोहागपुर राजा अपनी गढ़ी छोड़कर भाग गए। उनके चौथे पुत्र भारत सिंह भी अपने साथियों सहित जोगीगढ़ पर्वत की ओर निकल गए। अब यहां ठाकुर रणमत सिंह की एंट्री हो रही। इतना सब घटित हो जाने के बाद कोठी राज्य के भाई व मनकहरी ठिकाने के ठाकुर रणमत सिंह ने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करना शुरू कर दिया। ठाकुर रणमत सिंह के बाबा खुमान सिंह को पन्ना और अजयगढ़ राज्यों से कुछ जागीर मिली थी, मगर घट बेलवा के सरहद को लेकर रीवा और पन्ना राजाओं में सरहदी युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में ठाकुर रणमत सिंह बीच में आ गए और वह युद्ध जीत गए। तो ऐसे में पन्ना राजाओं ने बाबा खुमान सिंह को दी जागीर जब्त कर ली। यह बात ठाकुर रणमत सिंह को नागवार गुजरी और ठाकुर रणमत सिंह अपने बाबा की जागीर को वापस लेने के लिए पन्ना पर चढ़ाई कर दिए। ठाकुर रणमत सिंह के साथ भाई पट्टीदार अजीत सिंह, शत्रु सूदन सिंह, धीर सिंह आदि भी साथ में रहे। पन्ना राजा ने केसरी सिंह के नेतृत्व में ठाकुर रणमत सिंह से सामना करने अपनी सेना को भेजा। केसरी सिंह ठाकुर रणमत सिंह के सामने नहीं टिक पाए और वह ठाकुर रणमत सिंह के हाथों मारे गए। इसी समय कानपुर उत्तर प्रदेश से स्वतंत्रता सेनानियों का एक बहुत बड़ा जत्था पन्ना में आकर ठाकुर रणमत सिंह से मिला और इस बात की जानकारी नौगांव में ठहरी अंग्रेजी छावनी को किसी के द्वारा भेज दी गई। मगर ठाकुर रणमत सिंह लोगों ने अंग्रेजों की छावनी से भागने के बजाय नौगांव जाकर खूब अस्त्र और सामान की लूट मचा दी। उन्होंने अंग्रेजों के अस्त्र शस्त्र और उनकी सामग्रियां लूट ली और फिर यह लोग नौगांव से चित्रकूट की ओर चल दिए। चित्रकूट में हनुमान धारा के पास अंग्रेजों की फौज ने ठाकुर रणमत सिंह को घेर लिया और यहां ठाकुर रणमत सिंह लड़ाई में घायल हो गए और चित्रकूट से कोठी की ओर चल दिए। अंग्रेजी फौज ने कोठी को घेर लिया। तब कोठी राजा अवधूत सिंह कोठी से भागकर रीवा में जा अवधूत सिंह ने अपने स्त्री और बच्चों को माधवगढ़ के इलाकेदार लक्ष्मण सिंह के यहाँ भेज दिया। कोठी में घिर जाने के बाद ठाकुर रणमत सिंह अंग्रेजी हुकूमत को चकमा देकर डभौरा की ओर चले गए। डभौरा में उनकी मुलाकात रंजीव राय दीक्षित से हुई। अंग्रेजी फौज डभौरा पहुंच गई। ठाकुर रणमत सिंह डभौरा से इलाहाबाद की ओर निकल गए और बाद में वह इलाहाबाद से रीवा जिले के क्योटी में आकर अपना डेरा जमा लिया। अंग्रेजों की फौज क्योटी पहुंच गई। यहां क्योटी में ठाकुर रणमत सिंह ने अंग्रेज कर्नल कमांडेंट को मौत के घाट उतार दिया और बहुत सारे अंग्रेजी फौजी क्योटी में मारे गए। ठाकुर रणमत सिंह आगे बढ़ते गए, अंग्रेजी फौज पीछा करती रही। अब ठाकुर रणमत सिंह जनकपुर राज के झांपी डोंगरी में जाकर शरण लिए। अब तक अधिकांश साथी ठाकुर रणमत सिंह के मारे जा चुके थे। झांपी डोंगरी से वह बुड़वा के घने जंगलों में चले गए। यही जंगलों में ठाकुर रणमत सिंह के चाचा खमरिया के श्याम शाह को बुड़वा के ठाकुर देवी सिंह ने धोखे से विश्वासघात कर मौत के घाट उतार दिया। अब यहां से ठाकुर रणमत सिंह बिल्कुल अकेले हो गए। ऐसे में रीवा राजा रघुराज सिंह ने ठाकुर रणमत सिंह के पास संदेश भेजकर उन्हें रीवा बुला लिया। ठाकुर रणमत सिंह रीवा आकर अपने एक मित्र विजय शंकर पुजारी के यहां रुकने का निर्णय लिए। रीवा राजा रघुराज सिंह चाह रहे थे ठाकुर रणमत सिंह को अंग्रेजों से क्षमादान करा दें, मगर रीवा राज के दीवान दीन बंधु ने ठाकुर रणमत सिंह के रीवा में होने की सूचना अंग्रेजी सेना को दे दी। ठाकुर रणमत सिंह को रीवा में गिरफ्तार कर लिया गया
और अंग्रेज उन्हें झांसी ले गए और झांसी में ठाकुर रणमत सिंह को फांसी दे दी गई। एक महान योद्धा का बलिदान हो गया। कवि रामधारी सिंह दिनकर की दो पंक्तियां वीर रस की इन वीरों को समर्पित। अंधा चकाचौन का मारा, अंधा चकाचौन का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा। साखी है, मतलब साखी है उनकी महिमा के, इन वीरों की महिमा के, साखी है उनकी महिमा के, सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल, जय बोल।